हेलो गाइस, सरताज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं हम सर्दियों के मौसम में चटपटे मेथी आलू संग मटर दही वाले बड़े बड़े टेस्टी दम आलू। तो आओ बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मैंने छोटे आलू ले लिए, इनको बॉईल करके छील लिए हैं और अब मैं इसको लेके और इसके अंदर ये सारे हम छेद कर देंगे और इस टाइप से छेद कर देते हैं सब में। ये मैंने कढ़ाई रख दी, इसके अंदर तेल डालेंगे। तेल हमें ज़्यादा ही डालना है, आप देख लें उस हिसाब से फ्राई हो जितना तेल डालना है आपको। इसको गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर डालेंगे एक एक करके। ये हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे हम। देखिए हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसी टाइप से हल्का फ्राई करना है हमें। तो बॉईल हुए आलू है तो ये हमारा तेल वही है जो हमने आलू फ्राई किया, इसी के अंदर डालेंगे हम जीरा। साथ में ऐड करूँगी मैं 4-5 लौंग, काली मिर्ची और दालचीनी का थोड़ा, और अब डालेंगे तेज पत्ता। इसी के साथ ऐड करेंगे लहसुन और ये प्याज जो मैंने मिक्सी में पीस लिया है और हरी मिर्ची। हम ये लहसुन प्याज और हरी मिर्ची इसको फ्राई कर लेते हैं। अब डालूंगी मैं एक कटोरी ये मटर, एक चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची, साथ में ऐड करेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, आधे से कम हल्दी पाउडर, इन सबको मिक्स कर लेंगे। और अब डालेंगे पानी, मसाला बनने के लिए पानी मैंने मिक्सी में डाला नहीं दिया था, वही वाला पानी डाला है। हमारे मसाले के अंदर मटर पक जाएंगे और अब डालेंगे नमक। यहाँ के बिना टेस्ट ही अधूरा है, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। तो पकने से मेरे मसाले पकने में थोड़ा सा पानी और यूज करूँगी ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। अब डालूंगी ये हरे मेथी दाने हैं, इन्हीं के साथ डालेंगे ताकि मसाले में पक जाएंगे, इससे एक अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसको मिक्स कर लेते हैं सबको। आज हम नए तरीके से बना रहे हैं अलग ही रेसिपी सब्जी बनाए। ये हमारे मेथी और मटर साथ में पक चुके हैं। अब डाल दूँ मैं एक छोटी कटोरी दही जो खट्टा नहीं है, बिल्कुल ताज़ा दही है फ्रेश, और इसको चला लेंगे। छोड़ना नहीं है आपको, चलाते रहना है जब तक वापस दही नहीं ये पक नहीं जाता है। सॉरी, तो इसको हम अच्छे से चलाएंगे। गैस को जब हम दही डाल दें उसके गैस को आप तेज कर देना है आपको। यानी हमारा दही पकने को आया है, तो इसको हम ऐसे ही चलाएंगे एक दो आधा एक मिनट और। ये देखिए तब इसमें डालेंगे हमारी, ये हमारा दही अच्छे से पक चुका है। ये हमारा तेल वापस सब भीजन हो गया है, ये देखिए एकदम। अब इसमें डाल देते हैं हमारी फ्राई किए हुए, और अब गैस हम धीमा कर रही है और इसको हम एक दो मिनट पका लेंगे। इसमें मैं डालूंगी ये छोटी कटोरी पानी ताकि हमारे आलू के अंदर अच्छे से मसाला चला जाए। और ये हम ढक्कन लगा देंगे। ये हमारी सब्जी तैयार है, इसको निकाल देते हैं हम प्लेट में और लेंगे, उसमें निकालेंगे हम। ये चटपटी हमारे आलू की सब्जी तैयार है दही वाली। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।